नमस्कार दोस्तों, एबी ट्रेवल एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट पंकज सिंह। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम गोविंदगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां से पीछे से आपने एंट्री टिकट निकलवाना होगा। अगर आप नॉर्मल टिकट निकलवाते हैं तो 45 रुपीज़ का है। अगर आप 100 देखते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज अलग से देने होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं गोविंदगढ़ फोर्ट पहुंचा कैसे गए। गोविंदगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए आपको अमृतसर रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा या ऑटो पकड़ना होता है, जो आपसे करीबन 50 रुपये के फेयर पर गोविंदगढ़ फोर्ट पहुंचा देगा। ये गोविंदगढ़ फोर्ट का जो एंट्री गेट है, यहीं से एंट्री कर चले गए। और इसके ही साइड में जो चौक से अलग आपने अभी देखा है, वहाँ से टिकट निकलवानी होती है। अगर आप इससे गोविंदगढ़ फोर्ट घूमते हैं तो इससे घूमने के लिए आपको 200 रुपये का अलग से एंट्री टिकट निकलवाना होता है। आप देख सकते हैं, हम अंदर की ओर एंट्री कर आ चुके हैं। अंदर किसी भी तरह का लैगेज ले जाना अलाउ नहीं है। यह जो फोर्ट है, काफ़ी पुराना फोर्ट है। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, गोविंदगढ़ फोर्ट, तो यह काफ़ी पुराना फोर्ट आपको देखने को लगता है। यहाँ पर देखिए आप, इसके दोनों ओर काफ़ी बड़ी एक खाई है। इसमें पुराने समय में पानी भरा होता था, सिक्योरिटी के लिए होता है। इसको पार कर ही अंदर फोर्ट के अंदर एंट्री मिलती थी। यहाँ से सीधा एक काफ़ी बड़ा गेट है और यहाँ से एंट्री कर हम अभी और अंदर की ओर चले गए और देखते हैं अंदर घूमने के लिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अमृतसर कभी आते हैं तो आप गोविंदगढ़ फोर्ट जरूर आ सकते हैं। आप देखिए, जो बैटरी वाली रिक्शा है वो सामने से आ रही है। इसके में अगर आप गोविंदगढ़ फोर्ट पूरा घूमते हैं तो आपको 200 रुपये का एंट्री टिकट निकलवाना होता है। वैसे तो आप पैदल भी इसको 1 से 1.5 घंटे में आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। आप देखिए, फिलहाल इसमें कोई टूरिस्ट नहीं बैठा। अभी दोपहर का समय है, करीबन 2 बज चुके हैं और 2 बजे के लगभग यहाँ पर आपको टूरिस्ट कम देखने को मिलेंगे। जो क्राउड होता है वो ज़्यादातर शाम को आपको देखने को मिलता है। इवनिंग में यहाँ पर ऐसा हमने फाइंड आउट किया है कि काफ़ी लोग आते हैं देखने, और बच्चों के साथ में भी जो लोकल लोग हैं वो भी आते रहते हैं। तो आप देखिए, सामने एक छोटा सा फाउंटेन है, यह कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर एक काफ़ी पुरानी तोप रखी हुई है और आप देखिए, ढोल के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जाता है। जो सामने ये आर्ट देख रही है, इसके अंदर ऐसा दर्शाया गया है कि पुराने समय में किले के अंदर कैसे रहा करते थे। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देखने को मिले। सामने इस किले का पूरा मैप दर्शाया गया है, कहां पर क्या चीज बनाई गई है और कहां पर आप कैसे घूम सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड देखने को मिलेगा और अभी हम आगे चले गए। आप देखें, सामने ही एक काफ़ी पुरानी जो है यहाँ पर तोप उस समय की जो है रखी गई है। आइए हम आपको तोप दिखलाते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। आप देखिए, इसके जो पहिए हैं वो लकड़ी के बनाए गए हैं। पुराने समय में जैसे लकड़ी से बनाए होते थे, ये आज भी ऐसे के ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये धूप और बरसात में भी आप देख सकते हो कितनी मजबूत लकड़ी से इसको बनाया गया है और आज भी ऐसे के ऐसे देखने का आपको मिल रही है। आइए मैं आपको और भी इधर दिखा देता हूँ। सामने आप देख सकते हैं, सामने जो है ये रेस्टोरेंट है, इसमें आप जो है फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए मैं आपको और नज़दीक से दिखला देता हूँ। ये देखिए आप, ये जो है केसरिया दरबार रेस्टोरेंट है, इसमें आप फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका टिकट चाहे तो आप यहाँ से भी निकलवा सकते हैं, या आप एंट्री टिकट जहाँ से लेते हैं ना काउंटर से, आप वहाँ से भी निकलवा सकते हैं। ऐसे शो आपको यहाँ पर इवनिंग के समय में देखने को मिलते हैं। ये सामने ग्राउंड है और यहीं पर ही कुछ लाइव शो शाम के समय चलते रहते हैं। आप सामने जो स्टेज है वो देख रहे हैं, वहाँ पर लाइव शो चलते रहते हैं। कुछ सिंगर वगैरह आते हैं तो लाइव शो आपको देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं, ग्राउंड है फिलहाल और ग्राउंड में जो है वो चेयर रखी हुई है और यहाँ पर आपको नाचते गाते काफ़ी लोग शाम के समय देखने को मिल जाएंगे।
अभी दोपहर का समय है तो सभी जो एक्टिविटी है वो बंद है पूरी तरह से, और जो है क्राउड भी आपको बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। हमारे अलावा यहाँ पर और मुश्किल से 10 से 15 टूरिस्ट आपको यहाँ पर देखने को फिलहाल मिलेंगे। आप जब भी अमृतसर आए तो कोशिश करें कि आप दोपहर में ना आए, यहाँ पर शाम के समय ही आए, 5 बजे के बाद में आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पंजाबी कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सामान देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप कड़े वगैरह परचेज कर सकते हैं, पंजाबी कल्चर के जो है कपड़े वगैरह परचेज कर सकते हैं। आप सामने देखें यहाँ पर आर्ट गैलरी है, गोविंदगढ़ आर्ट गैलरी आपको देखने को मिलेगा। ये हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या चीज़ देखने के लिए है, उसके बारे में जानते हैं और आपको भी लाइव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर हम ट्रेवल से रिलेटेड वीडियो लगातार डालते रहते हैं, जिससे आप अपनी यात्रा को अच्छे से इंजॉय कर सकें बिना किसी परेशानी के। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और भाइयों तक भी पहुंच सके। आप देखें सामने एक बंदा बैठा हुआ है और हम आर्ट गैलरी में एंट्री कर चुके हैं। आप देखें यहाँ पर पूरी तरह से आपको पंजाबी कल्चर देखने को मिलेगा, पंजाबी कल्चर को यहाँ पर अच्छे से दर्शाया गया है। आप जो ये कपड़े देख रहे हैं यहाँ से आप परचेज कर भी ले जा सकते हैं, या इनको आप पहनकर यहाँ पर फ़ोटो क्लिक भी करा सकते हैं और आपको हाथों हाथ यहाँ पर फ़ोटो भी देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको यह गैलरी मतलब देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा है। इनके बारे में यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है, जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन इनके बारे में यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। आप इनको पढ़कर इनके बारे में जान भी सकते हैं पंजाबी कल्चर का कौन सा जो है फैशन है, और सभी तरह के आपको पंजाबी कल्चर का जो फैशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से ये स्पोर्ट कपड़े या जिस भी तरह के आपको यहाँ पर ये कल्चर देख रहे हैं इनके यहाँ से आप अपने घर ये सभी कपड़े ले जा सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। बस आर्ट गैलरी में आपको यहाँ पर इतना ही देखने को मिलेगा। ये हम बाहर लेकर चलते हैं और किला घूमते हैं और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आप देखें यहाँ पर आपको हर तरह का जो पंजाबी कल्चर है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो शादी विवाह के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह का नॉर्मल डेज में आप यूज करते हैं उन सब के लिए हो। आप देखें हम और बाहर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर शाम के समय जो है बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी होती रहती है, जैसे बच्चों के इन ढोले वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बच्चे झूला झूल सकते हैं। सामने बच्चों के लिए गेम लगाया गया है, आप उसको भी बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर ऊँट पर बैठकर भी आप किलों को घूम सकते हैं, या ये जो है कैमल राइड आप इधर से कर सकते हैं। फिलहाल दोपहर का समय है, यहाँ पर आपको कोई भी बंदा देखने को नहीं मिल रहा है। देखें यहाँ पर दो ऊँट है और आप जो है कैमल राइड यहाँ पर कर सकते हैं। किला काफ़ी बड़ा है, घूमने के लिए करीबन कम से कम आपके पास 1 से 1.5 घंटा आराम से होना चाहिए। अगर आप 700 देखते हैं तो 1 घंटा आपको 700 देखने में भी लग जाता है। सामने एक रेस्टोरेंट है, जायका रेस्टोरेंट, आप इसमें फूड वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। ये आपको यहाँ पर अंदर ही अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी बंदे आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो यहाँ पर आप खाना भी एक्सप्लोर कर जाते हैं। आइए हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ पर 700 चलता है और जहाँ पर जो है 100 देखने को आपको मिलेगा। आप ये सामने देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक को दर्शाया गया है, जो पुराने जमाने में म्यूजिक जिनसे हम सुनते थे एवं बजाते थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखिए जो सामने रखी है लाइटें हैं, ये रात में जलती है रंग बिरंगी, तो आपको देखने को अलग अलग नज़ारे मिलेंगे। आइए हम आपको और यहाँ से एक्सप्लोर कराते हैं। देखिए आप पुराने ज़माने में जैसे म्यूजिक को एक्सप्लोर करते थे और सुनते थे, गाते थे, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ढोलक, तबला, हारमोनी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है, सभी के फोटो जो के माध्यम से आपको यहाँ पर सभी जगह देखने को मिलेंगे।
जो किले का स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यह रेड पत्थर से बनाया गया है। आपको चारों ओर रेड पत्थर देखने को मिलेगा, आप सामने देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर अंदर इसी के अंदर होल बना हुआ है, और यहाँ पर जो है 700 चलता रहता है। उसका टिकट आपको 150 रुपये का अलग से निकलवाना होता है, और आप 700 देख सकते हैं। 700 में के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाई जाती है। ये आप जो है आप देख सकते हैं, हमने आपको अच्छे से पूरा जो रेड फोर्ट गोविंदगढ़ फोर्ट है वो अच्छे से एक्सप्लोर कराया। आप ये सामने देख सकते हैं, ये जेल है। पुराने ज़माने में जब कैदियों को यहाँ पर बंद किया जाता था तो पुराने ज़माने की जो जेल है आप अंदर देख सकते हैं, ऐसी जेल यहाँ पर हुआ करती थी। अभी हम बाहर की ओर आ चुके हैं, आप किले का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, रेड पत्थर से यहाँ पर बनाया गया है। चारों ओर आपको रेड पत्थर देखने को मिलेगा। आपको गोविंदगढ़ फोर्ट की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें।